तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए कैसे स्टॉक लेकर के आया हैं आपके सामने, जो कि झींगा खाना स्ट्रीम फीड बिजनेस में काम करती है। 78% की रेवेन्यू इनका देख सकते हो। तो कंपनी इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्ट्रीम फीड इन इंडिया विथ मार्केट शेयर 45%। द डोमेस्टिक फीड बिजनेस इट सोल्ड 485,000 टन ऑफ द स्ट्रीम फीड ट्रांसलेटेड इंडिया एंड बांग्लादेश। तो 78% की इनकी रेवेन्यू इंडिया और बांग्लादेश से आती है, और 22% की रेवेन्यू कहाँ से आती है, एक्सपोर्ट करके। तो कंपनी प्रोसेस स्ट्रीम इट्स टू फैसिलिटी लोकेट आंध्र प्रदेश एंड एक्सपोर्ट टू वेरियस कंट्रीज रीजन सच अस यूरोप, एशिया, जापान, कोरिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट। इट्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस 13,000 टन ऑफ स्ट्रीम फीड 2020, विच ट्रांसलेट इंटू 61% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। और इनकी सब्सिडरीज एक कंपनी है, कंट्रोल्ड बाई सब्सिडरीज, बिजनेस इन कंट्रोल्ड बाई सब्सिडरी अवंती फॉर्चून फूड प्राइवेट लिमिटेड, विच कंपनी होल्ड 60% स्टेक। कंपनी की ये होल्ड करते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज क्या है इनकी। द कंपनी ऑन 7 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, आउट ऑफ विच 6 आर लोकेट इन आंध्र प्रदेश एंड 1 इज लोकेट इन गुजरात। 6 इनकी फैक्ट्रीज आंध्र प्रदेश में है और एक गुजरात में है। इट्स कैपेसिटी आर स्ट्रीम फीड 6,00,000 टन और स्ट्रीम प्रोसेसिंग 22,000 टन। पावर द कंपनी ऑन वाइंड मिल प्रोजेक्ट विद द कैपेसिटी ऑफ 3.2 मेगावाट। इट ऑल्सो हैज टेकन टू एसोसिएट विद द कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ 33.2 मेगावाट। तो समझ सकते हो कि वाइंड मिल इनका खुद का वाइंड मिल है, हवा के द्वारा जो मिल चलती हैं उसे वाइंड मिल बोलते हैं। 3.2 मेगावाट की इनके पास है और 2 एसोसिएट विद द कंबाइंड कैपेसिटी 33 मेगावाट की है। तो इनका पैसा खर्चा नहीं होने वाला, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अच्छा प्रॉफिट ला सकते हैं, क्योंकि जहां खर्चे कम हो प्रॉफिट ज़्यादा हो तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। जियोग्राफिकल रेवेन्यू की बात करें तो प्रेजेंटली इंडिया अकाउंट ऑफ 79% की रेवेन्यू, फॉलो बाई USA 18% एंड लेटेस्ट वर्ल्ड 3%। USA से 18% और अदर और कंट्री से 3% की रेवेन्यू आती है। बेस्ट इन आंध्र प्रदेश में है ये कंपनी, आंध्र प्रदेश में है कंपनी। डोमेस्ट इन द फीड मार्केट ऑफ आंध्र प्रदेश वेयर इट कमांड्स 50% मार्केट आर ओवर 60 इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ द स्टेट। हर द स्टेट प्रोड्यूस 70% ऑफ ऑल स्ट्रीम फीड, मतलब स्टेट के अंदर 70% ऑल स्ट्रीम फीड यही एक्सपोर्ट करती है अपने स्टेट के अंदर। तो दोस्तों, हमने बिजनेस को समझा है, अब चलते हैं इनके डिटेल्स में, तो फंडामेंटल पे। तो ये BSE NSE लिस्टेड मार्केट के 4,621 करोड़ का है, करंट प्राइस चल रहा है 340 और हाई लगा चुका 528 तीन और लो है 2321 का। स्टॉक PE 16, स्टॉक के हिसाब से ठीक एंट्री वैल्यू, स्टॉक बुक वैल्यू 142, कंपनी डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड करती है 1.84% और बहुत अच्छा डिविडेंड पे आउट कर रही है कंपनी। ROCE है 17%, ROE है 11%, फेस वैल्यू 1 रुपये की, प्रमोटर के पास 47% की होल्डिंग है, डेप्ट है कंपनी के पास 0, बिल्कुल कर्ज फ्री है और एनुअल प्रॉफिट 425 करोड़ का। कंपनी का कर्ज है 368, रिटर्न ऑन इक्विटी है 11.7 और इंटरेस्ट भी है 22, EPS है 19 रुपये की, फ्री कैश फ्लो निगेटिव 267 करोड़। मतलब देख सकते हो कंपनी का कर्ज है 3,68,00,000 और एनुअल प्रॉफिट आ रहा है 245 करोड़। तो ये कर्ज कभी भी कंपनी चुका सकती है, मतलब ये समझ लो कर्ज कर्ज के बराबर नहीं है। कंपनी प्रोस की बात करें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी हैज बीन मेंटेन ए हेल्थी डिविडेंड पे आउट, 27% का हेल्थी डिविडेंड पे आउट करती कंपनी। मीडियम सेल्स ग्रोथ 22% लास्ट 10 ईयर।
इंसुलरेशन सेक्टर का स्टॉक है, फूड प्रोसेसिंग का काम करती है स्टॉक। अगर हम लोग बात करें क्वार्टरली रिजल्ट की, तो देखो दिसंबर वाले क्वार्टर में थोड़ा सा प्रॉफिट कम आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 80 करोड़ का आया है, सितंबर में 75, जून में 103 और मार्च में 115। मतलब ये दो क्वार्टर बहुत शानदार प्रॉफिट लाई कंपनी ने। नेट प्रॉफिट के मामले आए थे 71 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ दिसंबर में, सितंबर में 67, जून में 73 और मार्च में 92 करोड़ का। अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली बेसिस पे चेकआउट करें तो TTM में 372 करोड़ का नेट प्रॉफिट है कंपनी के पास, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 2022 में 314, 2021 में 461, 2020 में 456। मतलब ईयरली बेसिस पे अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी ये स्टॉक, बट 2022 में थोड़ा सा लूज हुआ स्टॉक में, प्रॉफिट कम आई और फिर से TTM में उससे 2022 की अपेक्षा अच्छा प्रॉफिट ला रही है स्टॉक। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें 303 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया TTM में 2022 में 245, 2021 में 297, 2020 में 286। और अगर हम लोग डिविडेंड पे आउट मतलब क्वार्टर ईयरली बेस पे अच्छा परफॉर्मेंस कर रही, कभी कभी होता है ईयरली बेस पे भी कभी कभी कम प्रॉफिट होता है, लेकिन फिर से कंपनी के अंदर सुधार हुआ है, अच्छा प्रॉफिट लाई है। डिविडेंड पे आउट की बात करें तो 38% का डिविडेंड कंपनी पे आउट किया 2022 2021 24 2020 में 20% का, तो अच्छा खासा अमाउंट पे आउट करती है डिविडेंड के तौर पे ये स्टॉक। अगर कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें 10 साल में 29%, 5 साल में 14%, 3 साल में 13%, TTM में 11%। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 10 साल में 22%, 5 साल में 10.0%, 3 साल में -6%, TTM में 23%। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें 10 साल में 47, 5 साल में 15, 3 साल में 5 और 1 साल में -18। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 10 साल में 27%, 5 साल में 24%, 3 साल में 19%, लास्ट ईयर 12%। बैलेंस शीट चेक करें कंपनी की, तो कंपनी का कर्ज है 4 करोड़ का, ये कर्ज 2021 में भी था, 2022 में भी था और सेम अभी भी है। सितंबर तक का डाटा है यहाँ पे, दिसंबर का नहीं है। रिजर्व है कंपनी का 1915, बहुत ज़्यादा रिजर्व है कंपनी के पास और ये रिजर्व हर साल इंक्रीज होता हुआ दिखेगा आपको। कैश फ्लो है 212 करोड़ का इन्वेस्ट कैश फ्लो है, नेट कैश फ्लो 18 करोड़ का, 212 करोड़ का कैश फ्लो निगेटिव में है, बट 18 करोड़ का नेट कैश फ्लो है, नेट कैश फ्लो है 18 करोड़ का। इस हिसाब से कंपनी बिल्कुल डेट फ्री साबित होती है, कंपनी के पास किसी प्रकार का कोई कर्ज नहीं है, ये मान के चल सकते हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हो, 43.28% की होल्डिंग है और ये होल्डिंग प्रमोटर की तरफ से थोड़ा सा डिक्रीज की गई है। पहले 43 जून 2022 वाले क्वार्टर में 43.68% की होल्डिंग हुआ करती थी, बट सितंबर 2022 में 43.28% की होल्डिंग है। FIs के पास 12.67% की होल्डिंग है और DIs के पास 8.75% की है। गवर्नमेंट की तरफ से 2.72%, इतना ज़्यादा होल्डिंग में किसी और स्टॉक में गवर्नमेंट का देखे ही नहीं है, बट इस स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा होल्डिंग गवर्नमेंट का। कौन सा? आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का इसमें इन्वेस्टमेंट है। पब्लिक के पास 32% की होल्डिंग है और पब्लिक अंदर देख सकते हो सीधा 50% का स्टेक है इनके पास, द यूनियन ग्रुप पब्लिक कंपनी लिमिटेड। तो यार 32% के अंदर भी 15% 16% का होल्डिंग है, 17% की होल्डिंग है मात्र पब्लिक के पास। तो ऐसे स्टॉक को डेफिनेटली हमें बाय करके चल, मतलब अकॉर्डिंग टू मेरे हिसाब से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, सारा का सारा स्टॉक किसी न किसी एक पर्टिकुलर कंपनीज प्रमोटर के पास है, बहुत कम है पब्लिक के पास है, ठीक है। मार्केट थोड़ा सा डाउन हुई थी, इसकी प्रॉफिट कम आया है 2022 में, बट उसके बाद सुधार हुआ है कंपनी के अंदर। TTM अच्छा 2022 के अपेक्षा अच्छा प्रॉफिट आई है कंपनी के पास, ठीक है। बट अभी अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखते तो क्वार्टरली रिजल्ट को ट्रैक करो, अच्छा परफॉर्मेंस करने लगे तो ही बाय करके चलो, बट टेक्निकल को पहले देख लेना उसके बाद ही। दोस्तों स्टॉक का नाम बताने से पहले बता दूँ, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर के आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। एंजल वन का आप स्टॉक का दोनों का लिंक है और फ्री में डीमैट अकाउंट अपना ओपन करो और आप भी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्टार्ट करके चल सकते हैं। तो इस स्टॉक का नाम है अवंती फीड लिमिटेड। तो आ चुके हम लोग एक इनके टेक्निकल पे, टेक्निकल इनका यही कह रहा है कि भैया हमें बाय करके चलो क्योंकि बिल्कुल अपने सपोर्ट के पास ये इशू मिल रहा है,
हाँ अगर स्ट्रेट लाइन के नीचे जाता है ये स्ट्रोक डेफिनेटली पैनिक क्रिएट हो सकता है स्ट्रोक अंदर, और ये स्ट्रोक और नीचे आ सकता है और 164 की प्राइस में आ सकता है, ठीक है। बट अभी एक रेंज में ये स्ट्रोक है, ठीक है, एक रेंज में स्ट्रोक है। इस स्ट्रोक को आप नज़रों में बना करके रख सकते हैं, क्योंकि हमेशा ये स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए ही स्टॉक ऊपर जाता है। और अभी करंट प्राइस में अगर बाई करते हो करंट प्राइस, या फिर वेट करो नीचे आने दो स्टॉक को, 315 के प्राइस में, 320 के प्राइस में, 15 के प्राइस में मिले, डेफिनेटली बाई करो। और ये स्टॉक आपको इंस्टेंट टारगेट दिखला सकता है 497 का, लेकिन ये हमने मंथली टाइम फ्रेम के अंदर खोला हुआ है, तो समझ लो यहाँ तक आने में एक अगस्त 5-6 महीने का भी टाइम लग सकता है, ठीक है। आपको इतना परसेंट रिटर्न लेने के लिए समय लग सकता है, कितना परसेंट का रिटर्न अगर आप यहाँ एंट्री करते हो तो कितना परसेंट का रिटर्न मिलेगा इंस्टेंट, सिक्सटी सेवन परसेंट का रिटर्न पाने के लिए आपको 5-6 महीना का वेट करना होगा। और अच्छा पैसा बनाना है तो जैसे देखो बिल्कुल अपने ब्रेकआउट के करीब ही ये स्टॉक, या ऊपर की तरफ करे या नीचे की तरफ करे, अगर ऊपर की तरफ करता है समझ लो ब्रेकआउट, तो बहुत ही जल्द बहुत कम समय के अंदर आपको 100% की प्रॉफिट हो सकती है। ये रेंज दिखला सकता है 6,739 का, और उसके बाद 967-1,000 का रेंज दिखला सकता है आपको, बहुत जल्दी आपके पैसे को डबल कर सकता है। बट स्टॉक मार्केट है, समय लग सकता है स्टॉक को डबल करने में। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है तो समझ लो कि ये स्टॉक इस रेंज में आ सकता है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आए हो तो डेफिनेटली आप होल्ड करो। और दोस्तों मेरा ऐसे स्टॉक अंदर मेरा क्या मानना होता है कि अपना जब भी 100% की प्रॉफिट आए ना स्टॉक अंदर, तो सबसे पहला काम अपना कैपिटल बाहर कर लो यार, क्या जरूरत है रिस्क लेकर के रहने का। कैपिटल बाहर करोगे सेफ रहोगे, सेफ खेल जाओगे, और 100% की प्रॉफिट आई अपना कैपिटल बाहर किए प्रॉफिट छोड़ दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ये स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, तो मेरे हिसाब से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है 10 साल के अंदर, ठीक है, लेकिन रिस्क भी होता है। तो आप जब कैपिटल अपना निकाल लोगे तो रिस्क फ्री हो जाने के लिए कोई दिक्कत रहेगा नहीं, टेंशन फ्री रहोगे। अगर ये स्टॉक नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है, करता भी है इन द फ्यूचर इस लेवल से नीचे की तरफ, तो आपको आप सदमे में जाने से बच सकते हो, ठीक है। ये है फॉर्मूला। तो रात को अच्छी नींद आएगी अगर ऐसा आप फॉलो करते हो तो, ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया ना कि बाई और सेल करने के लिए, अगर आपको एंट्री करनी है तो आप अपने रिस्क पर एंट्री करके चल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।